वो जगह मिल गई जहाँ पे पांडव रहे थे, दैट इज अनदर गुफा, और गुफा का रास्ता आपको दिखाती हूँ अभी। दिस इज द रास्ता एंड यहाँ पे पांडव ध्यान लगाते थे अपना, मतलब दिस इज कॉल्ड पांडव, ये उनकी बनाई हुई है मुझे लग, रुक, पांडव ध्यान कक्ष, ध्यान कक्ष इज मीन यहाँ पे वो ध्यान कर लगाते थे। This is so amazing. यहाँ पे for they use as a light source ना? हाँ, दिया वगैरह। रुक, यहाँ पे भी उन्होंने कुछ ना कुछ कलाकारियाँ की हुई हैं यार। यहाँ पे बैठ के वो ध्यान लगाते थे पांडव जी। ऊपर देखो, आर्ट देखो यार, वॉल के अंदर वॉल बनाई हुई है, साल पहले। वो भी कितने साल पहले, ये शिव जी भगवान। और मुझे लगता है यहाँ पे बैठ के वो ध्यान लगाते थे, आई डोंट नो, बट ये गैस ही है। द्रौपदी और पांच पांडव है ना। सो ये था पांडव का ध्यान कक्ष एंड दिस इज द स्टेयर्स, ये उनकी बनाई हुई है मुझे लगता है, ध्यान से आना है शु। और अब हम दूसरी गुफा में जाएंगे विच इज यहाँ पे ऊपर। यहाँ पे चढ़े कैसे होंगे पांडव यार? हाँ, ये जो रास्ता बना मुझे लगता है इनके ऊपर चढ़ चढ़ के पांडव ऊपर जाते होंगे। दिस इज सो स्केरी यार, ऊपर चढ़ना। पांडव उपासना कक्ष, उपासना क्या होता है? सर्च कर, सर्च करो भाई, ये बहुत स्केरी है स्टेयर्स, वो हिल भी रही है। यहाँ से मुझे लगता है वो यहाँ से ऊपर चढ़ते थे, बिकॉज और कोई सोर्स नहीं है इतना ऊपर चढ़ने का यार। अच्छा, उपासना मीन्स वर्शिप, मतलब यहाँ पे वो पूजा करते थे। छोटी जगह यार, दिस इज सो स्मॉल। अच्छा पापा, इस हाय पापा, हम फाइनली चढ़ के आ गए, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। पांडव कैसे करते थे पूजा? सो रुक, अंदर से केव कितनी बड़ी है, और ये शिव जी भगवान जी शिवलिंग, दिस इज सो ब्यूटिफुल। यहाँ पे बैठ के वो भगवान की पूजा करते थे। आई एम सो हैप्पी, और इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे आके, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। पांडव यहाँ पे क्या करने आए थे? पांडव जब उनका वनवास हुआ था, 12 वर्ष का जो वनवास हुआ था, हाँ जी, उस वक्त 12 वर्ष के वनवास में वो आपको मालूम है कि पूरा हिंदुस्तान का भ्रमण किया, जहाँ जहाँ रुकते गए कोई ना कोई नई चीज़ें तैयार करते गए। जैसे यहाँ रुका तो बड़ा हरिद्वार का निर्माण करना था, लेकिन छोटा हरिद्वार है। यहाँ पर भगवान शिव की जागृति की 5 गुफाओं का निर्माण किया, भगवान शिव की जागृति की, भगवान शिव ने उनको दर्शन दिया और विजयी होने का वरदान दिया। उस वक्त बताते हैं कि हमारे लिए 6 महीने उनकी एक रात होती थी। अच्छा, मैंने इसलिए नेट में पढ़ा, उन्होंने कहा कि एक दिन के लिए रहे थे। हाँ जी, हमारा एक दिन उनकी 6 महीने, हमारे लिए 6 महीना उनकी एक रात। हाँ, ठीक है। अगर पूरी रात लगनी थी तो बताते हैं कि ये बड़ा हरिद्वार बनना था। ओके। ठीक है, देखो कलयुग में हम भी पैदा हुए, आप भी पैदा हुए, तो ये नहीं कि पांडव अकेला थे, पांडव के संग में भगवान श्री कृष्ण भी थे। इसका नाम मुक्तेश्वर है, मुक्ति का द्वार। यहाँ के नहाने से, यहाँ के दर्शन से हर एक पाप से मुक्ति मिलता है। यहाँ जो भी लोग सच्चे मन से मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। यहाँ अस्थियाँ भी प्रवाहित होती है, लोग पितरदान भी करते हैं, और फरवरी मार्च अप्रैल में मेले भी होते हैं। इस बार का तो मेले सब खत्म हो गए हमारे, आपको मालूम है कोरोना पड़ने के कारण से लॉकडाउन हो गया, पीछे से ऑर्डर हो गया,
और एक सबसे बड़ी बात है कि पंजाब के अंदर जो हमारे हिंदू हिंदू भाई का मंदिर है, एक यही मंदिर है जहाँ 24 घंटा लंगर होता है। ये तो गुफाएं तो तीन ही दिखती हैं। नहीं, दो बंद हो चुकी है ना, उसके बैक साइड वाली जो पहाड़ का बैक साइड थी ना, नकुल सहदेव की गुफा, वो गुफाएं बंद हो चुकी है जो उसके बैक साइड थी। ये एक एक सब भाइयों के लिए थी, सब भाइयों के अलग अलग पूजा वाली कक्ष थी ना, वो वहाँ इकट्ठे होते थे। अच्छा। जहाँ पर धुना है ना, द्रौपदी का रसोई है, वहाँ इकट्ठे होते थे। वहाँ बताते हैं कि जो भी कंद मूल जो भी होता था उनके टाइम में वो खाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय शंकर की, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अब ये चढ़ते हुए मम्मी तो पहुंच गई ऊपर, हाय मरेंगे अब। जय माता दी। जोर से बोल दो। जय माता। और पापा ले अपने ऑफिस का काम करते हैं। आओ ऊपर पानी, ये हमारी रावी नदी। भाई अपना वीडियो बनेगी, ऊपर जाके मिलते हैं, बिकॉज दिस इज अराउंड 500 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ। वर्कआउट की कोई ज़रूरत नहीं हमें। मम्मा मज़ा आया? बहुत मज़ा, बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत बुरी हालत हो गई भाई। देख सकते हो क्या हालत हुई है, और मम्मी को देखो, हाय हाय वाला ही जा, हाय वाला ही को केड़ा हाय ही मम्मा है। सैनिटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डेज। और अब हम वापस जा रहे हैं। वापस जाते हुए की वीडियो सीसा नीचे कर दीजिए। शहरी बहुत थक गई है, शहरी पसीने से पानी पानी हो गई है। हम घर आ गए हैं एंड ऐश्वर्या को हम उसके घर छोड़ा है, बिकॉज अंधेरा हो रहा था तो वो कह रही थी मुझे भी घर छोड़ाओ। एंड फाइनली बहुत टायर्ड हैं, थक गए हैं, बिकॉज बहुत सीढ़ियां थी यार, बट चढ़ लिए। एनीवेज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, डू कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। Until then, bye bye, take care, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बाय बाय, टेक केयर।